नमस्कार मित्रों, परिचय इस मालिका में आप सभी का स्वागत है और आज जानते हैं गोहर जान जी के बारे में। गोहर जान का जन्म 26 जून 1873 ईस्वी में एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ था और पहले उनका नाम एंजेलिना था। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जन्मी गोहर के दादा ब्रिटिश थे तो उनकी दादी हिंदू थी। गोहर जान के पिता आर्मेनियन थे और माँ विक्टोरिया जन्म से भारतीय थी तथा एक प्रशिक्षित नृत्यांगना और गायिका थी। अपने पति से तलाक होने के बाद विक्टोरिया अपने 8 साल की बच्ची एंजेलिना को लेकर बनारस चली गई थी, जहां उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और नाम रखा मलका जान। माँ के साथ साथ गोहर का भी धर्म बदल गया और वह एंजेलिना से गोहर जान बन गई। एंजेलिना से गोहर बनने वाली इस कलाकार का अधिकतर काम कृष्ण भक्ति पर है। बनारस से दोनों माँ बेटी कलकत्ता चले गए, जहाँ गोहर ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। 1887 से अपनी यात्रा शुरू करने के बाद 19वीं सदी तक वह प्रसिद्ध हो गई। भारतीय गायिका और नर्तकी थी। वे दक्षिण एशिया की पहली गायिका थी जिनके गाने ग्रामोफोन कंपनी ने रिकॉर्ड किए। रिकॉर्डिंग 1902 में हुई थी और उनके गानों की बदौलत ही भारत में ग्रामोफोन को लोकप्रियता हासिल हुई। गोहर जान ने 1902 से 1920 के बीच बंगाली, हिंदुस्तानी, गुजराती, तमिल, मराठी, अरबी, फारसी, पश्तो, फ्रेंच और अंग्रेजी समेत 10 से भी ज़्यादा भाषाओं में 600 से भी अधिक गाने रिकॉर्ड किए। गोहर जान ने अपनी ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती, भजन और तराना के जरिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को दूर दूर तक पहुँचाया। आज के लिए इतना ही, यही पे रुकता हूँ। धन्यवाद।